शेरा फिर से हमला कर सकता है। हम सभी लोग प्रीत के घर वाले कैसे ही ये जानते हैं। उन्हें अगर अर्जुन और प्रीत के बारे में कुछ भी कंफर्म हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बस प्रीत, इतना कहना काफी है। तुम मुझे परेशानी में नहीं देख सकती, है ना? मुझ पर हमला हुआ है ये बात सुनकर तुम्हारा रिएक्शन ही मुझसे बहुत कुछ कह रहा है। प्रीत, प्रीत तुम मुझसे प्यार करती हो, मान क्यों नहीं लेती? हमने और आपके ड्यूटी ऑफिसर ने मिलकर डिसाइड किया है कि आने वाले आर्मी फंक्शन के लिए कैडेट साक्षी और कैडेट दिया को वॉलंटियर चुना जाता है। ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या किसी को कोई डाउट है? नो मैम। गुड। मालकिन कितनी शांति से टीवी देख रही है। यदि दिया बिटिया घर में होती तो सिर्फ अंग्रेजी गाने बज रहे होते। मजाल है जो किसी की जो चैनल बदल दे। दिया बिटिया की वजह से दो चार गाने तो हमने भी सीख लिए साहब। राम सिंह, तुम्हारी मालकिन को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर दिया यहां पर होती ना तो ये आसपास दिखाई भी नहीं देती। दिया बिटिया तो साहब अपने मन की मालिक, जो उनके मन में आता वही करती। और तो और, राम सिंह फोन काटने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि वो कॉल साक्षी का था। मैं बहुत पहले से यह जान चुका था कि तुम्हारे और साक्षी के मन में क्या चल रहा है। तुम दोनों ने यही डिसाइड किया है ना कि जब तक मेरी और दिया की सुलह नहीं हो जाती साक्षी मुझसे बात नहीं करेगी। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? राम सिंह, मेरे और दिया के बीच में ये रूठने मनाने का सिलसिला तो चलता रहे, लेकिन तुम अपना दिल इससे छोटा मत करो। अपनी बेटी से दूर मत हो मेरी वजह से। बाहर जाकर बात कर लो। अगर तुमने यहां बात की तो मेरा भी मन होगा साक्षी से बात करने का। यहाँ लड़ाई दो पिताओं की नहीं, दो बेटियों की है। हर कोई बात कर रहा है साक्षी और दिया की दुश्मनी की। अरे परसों ही मेजर भागवत मिले थे, बता रहे थे कि साक्षी और दिया के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, खासकर दिया साक्षी को अपना दुश्मन मानने लगी है। और एक भी वो मौका छोड़ती नहीं है साक्षी को नीचा दिखाने के लिए। बेटा, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हो रहा है और सिर्फ तुम ही हो उसे समझाने के लिए। अब माँ, माँ आपको जाप की माला ढूंढ रही थी ना, मिली क्या? कहाँ मिली बेटा, और यहाँ आपके बातों में लग गई। देखती हूँ कहाँ है। नानी माँ, ये रही आपकी माला। चिंता मत कर बच्चा, ज्ञान मिलेगा सच्चा। हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में और वही उसका संचालक भी है। हम सब उसी के इशारे पर नाचते हैं। हम जहां भी कदम बढ़ाते हैं वो सब ऊपर वाला ही करता है। वही हमें मुश्किलों में डालता है और वही मुश्किलों से हमें निकालता भी है। हमें उनके पथ प्रदर्शित किए हुए रास्ते पर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। बोलो ग्रीन राम ग्रीन कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। Thank you.
अरे क्या बात है, दिया का उजाला वो भी मेरे गरीब खाने में। सूर्या प्लीज अब तुम ये भारी भरकम बातें करना बंद करो। अच्छा तुम अपनी बड़ी प्रीत से बचकर यहाँ आई हो ना? हाँ, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे प्लाटून में क्यों नहीं हूँ। आई रियली विश आज मैं तुम्हारे प्लाटून में होती। मैं ना उस साक्षी से परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हें पता है आर्मी के फंक्शन में मुझे उसके साथ वॉलंटियर बना दिया गया है। उसको नहीं झेल सकती मैं, उससे परेशान हो चुकी हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। दिया ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास। इनफैक्ट मौका खुद चल कर आया तुम्हारे पास, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है साक्षी का रिकॉर्ड खराब करने का, फायदा उठा लो। देखो इस मौके का फायदा उठाकर ना तुम साक्षी का सारा काम खराब कर सकती हो। बस तुम्हें उसके साथ रहना है और जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करना है। तो बोलो करोगी वो जो मैं कहूंगी? रिलैक्स, ये सारा है मेरी कॉन्फिडेंट है और हमारे प्लाटून की बेस्ट कैडेट है, तुम इसके सामने कुछ भी बोल सकती हो। हेलो, हाय। देखो सूर्या ये इतना आसान नहीं है, साक्षी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और एकेडमी में वो बहुत फेमस भी है। साक्षी का रिकॉर्ड खराब करना Not that easy. और मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो हर वक्त हर टाइम अलर्ट रहती है। It's impossible. दिया, मेरी डिक्शनरी में ना ये impossible word है ही नहीं। और अगर तुम्हें भी मेरी प्लाटून में शामिल होना है तो तुम्हें भी अपनी डिक्शनरी से ये impossible word हटाना होगा। मंजूर है? तेरे हाथ ठीक से क्यों नहीं चल रहे हैं? शरीर में जान नहीं है क्या? ठीक से चला साढ़े घर भी जाकर धमकी दे गया, और वो तो बापूजी थे, नहीं तो इतने ही अपने घर भी चिगाड़ देता। हाँ हाँ वो तो देख लिया कल, जमीन पे धूल चाट रहे थे। कुछ कहा तूने? नहीं की तरह मालिश कर, मर्द की तरह हाथ चला, चल
एक बार इस अर्जुन ने और हाथ उठाया होता ना तो उठाया होता ना तो अच्छा उठाने के लायक भी नहीं रहता। कुछ बोला तूने? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं बोला? नहीं कुछ कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं बोला? मैं कहाँ कुछ बोल सकता हूँ, वो तो आप ही कब से बोले जा रहे। कब तक बचेगा ये अर्जुन, कब तक? वो तो बापूजी घर पे थे इसलिए सही सलामत चला गया, नहीं तो उसे मैं बताता कि घर पे आके धमकी देने का मतलब क्या होता है। एक बारी ये पूतनी था वहां मिल जाएगा बापूजी ना, फिर देखो ब्रह्मा इसका क्या करता हूं। जा गॉड अर्जुन बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कैडेट। ये आपका स्क्वाड पूरा क्यों नहीं है? सर ज्योति कमांडर राजदीप सर के ऑफिस में गई है किसी स्कीम के बारे में जानकारी लेने। अर्जुन मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम तो मुझसे बात कर सकते हो ना, प्लीज एक बार मेरी तरफ देख तो लो। ओके। हेलो सर, होप यू आर फाइन। माय स्वीट सिस्टर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। प्लीज अर्जुन मेरी तरफ देख लो, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम मुझसे बात करो। गुड मॉर्निंग मेजर अर्जुन। गुड मॉर्निंग कैडेट। कैसे हैं आप? आई एम फाइन एंड हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड। कहाँ थे आप? मैं यही था। Cadet Preet, give me 5 rounds on the ground. Right now. और उसके बाद ये साइकिल्स आप ही खड़ी करेंगी। Is that clear? Yes, sir. Yeah, I'm sorry, Surya. You were saying something? हाँ, आपको आते हुए देखा तो सोचा आपसे कुछ देर बात करें। In fact, मैंने आपके सीनियर से आपकी काफी तारीफ सुनी है। It's
स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। पर सूर्या एक स्टडीज की बात है। इट्स ओके, गलती से हुआ होगा ना? या हैपेंस। या सो आई वाज सेइंग स्टडीज के मामले में कुछ कंप्लेंट्स है आपकी। थ्योरी वर्क में आप इतनी अच्छी नहीं है। एरिका तुम्हारी परेशानी क्या है? इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए और अभी भी तुम कह रही हो कि तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है। मैं आपको व्यस्त रहूं, यहाँ बैठे बैठे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। वो कहावत सुनी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं तो कहता हूँ हम दोनों की तरह तुम भी कर्नल साहब के यहाँ काम करना शुरू कर दो। अरे काका, सोच के तो वही आई थी, लेकिन ये नानी, राम राम राम, इस नानी से तो राम ही बचाए। दिन भर किच 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 करती रहती है। दो दिन काम करके देख लिया, बस अब हमसे नहीं होगा। हाँ, अरे मैंने ही उसे वहाँ काम करने से मना किया था चाचा जी। मेरा तो ठीक है, मेरी आदत की वजह से सब लोग मुझ पे गुस्सा करते, लेकिन मेनका ये किसी की नहीं सुनने वाली। अब देखिए ना, दिन रात आप दोनों कितना काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आप दोनों का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। हम यहाँ खुश हैं बस। अब काका को ही देख लो, कितना परेशान रहते हैं जब से साक्षी गई है। न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, बस साक्षी साक्षी करते रहते हैं। अरे हमारा बस चले ना तो साक्षी को कॉलेज से पकड़ के लिया इनके पास। बेटा कॉलेज नहीं, एकेडमी। हाँ हाँ, वही वही, एकेडमी, एकेडमी। अच्छा, तुम दोनों साक्षी से बात नहीं करो और ना ही उसके बारे में कोई बात होगी। चाहता हूँ कि वो अपनी ट्रेनिंग बिना किसी परेशानी के पूरा करे। जी जी। से बात करके हम उसे कमजोर नहीं हो। अरे ठीक है ना काका, तब तक आप हमें अपनी साक्षी समझ लीजिए, है ना? ठीक है, ठीक। और वैसे भी हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे पति देव थक हार के आते हैं ना और हम उनकी सेवा करते हैं, हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। हमारे दोनों पैर दुख रहे हैं, हम तुम्हें ये आदेश देते हैं कि हमारे दोनों पैर दबाए जाए। फौरन। जी महाराज, हम अभी आपका पैर दबाते हैं। जल्दी करो। अभी आपका पैरों का दर्द ठीक कर देती हूँ। प्यारे पति देव जी, अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कम हुआ या और दबाऊं? नहीं नहीं नहीं, हो गया, कम हो गया। उतर जाओ, उतर जाओ। मेनका, क्या कर रही है? अपने पति के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अरे काका, जब कोई पति अपनी पत्नी को दासी समझने लगे ना, तो हर पत्नी को ऐसा ही करना चाहिए, तब इनकी अकल ठिकाने आती है। हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति राजा हो, और हमारे पति तो राजा बन भी जाते हैं, पर राजा वाला कोई काम नहीं करते। बस एक काम ये बराबर अच्छा करते हैं। कौन सा? सजा देने का। अरे आपको पता है, जब पिछली बार ये राजा बने थे ना, तो गांव में हमें सूली पर लटका दिया था। वो तो भला हो उन गांव वालों का कि ठीक समय पर आकर हमारी जान बचा ली, वरना आपके सामने आपकी प्यारी मेनका ना होती। तब से हमने एक बात ठान ली, ये राजा ना बने, घोड़ा बने, कुत्ता बने, बैल बने, सब बने, मंजी राजा ना बने। तुम दोनों यहां यहां छुप कर बैठी हो और मैंने पूरा कैंपस ढूंढ डाला। क्यों निकल रहे हैं? हाँ, भाई ने बात नहीं की इसलिए, या फिर सजा मिली इसीलिए? पता नहीं,
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई को पता नहीं अचानक क्या हो गया, कभी वो ऐसे बिहेव नहीं करते। क्यों, तुझे नहीं पता? तेरे तो वो वीर जी लगते ना, तुझे तो पता होना चाहिए। हम यहाँ उसकी चिंता कर रहे हैं और वो वहाँ क्या कर रहा है? लड़कियों के पीछे दो मिलाता घूम रहा है। उसे जरा भी हमारी चिंता नहीं है। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसका खून कर दूं। बेशरम कहीं का, कैसे हमारी उस दुश्मन के साथ चिपक रहा था। तो क्या हो गया? हाँ, जब भाई तुमसे बात करना चाहते थे तब तो तुम बड़ा भाव खा रही थी, अब क्या हुआ? जलन हो रही है? हाँ दिया, तू अच्छे से जानती है कि मैंने उससे बात क्यों नहीं की। इसी में उसकी भलाई है। मैं उससे जितना दूर रहूंगी ना उतना ही उसके लिए अच्छा है। तो हो गए ना दूर, यही तो तुम चाहती थी, अब रो क्यों रही है? तुम दोनों यहां छुप कर बैठी हो और मैंने पूरा कैंपस ढूंढ डाला। साक्षी, ज्योति कहाँ है? कहीं उसको भी तो मेरे कारण पनिशमेंट नहीं मिली? नहीं, पैमेला मैम से मिलने गई। पैमेला मैम से क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। हमारे साथ नहीं रहने का मतलब? मतलब ये कि वो हम सबकी पर्सनल प्रॉब्लम सुन सुन के तंग आ चुकी, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। इसलिए वो पैमेला मैम से बात करने गई है कि उसे यहाँ से किसी और कमरे में या किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तुम कहाँ जा रही हो? अरे ज्योति का सामान पैकिंग करने में हेल्प करने। मन तो मेरा कर रहा है ना किसका सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूं, पर एनीवेज प्रिया तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, समझी? यहाँ क्या करेंगे इस जगह में? ऐसा क्या है? चलो यहाँ से। और वैसे भी मुझे यहाँ की हवा थोड़ी रास नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना है कि हमें सूर्या को सबक कैसे सिखाना है। We have a guest coming tomorrow. तो porch की decoration की जिम्मेदारी तुम्हारी और दिया की बनती है, क्योंकि duty officer ने तुम दोनों को volunteer चुना है। I hope कि तुम दोनों साथ मिलकर अपना काम अच्छे से करोगी। Sure ma'am। ये लड़की प्रीत वही है ना जो अपनी साक्षी और दिया की दोस्त है? और मेरे बेटे को इस लड़की से प्यार हो गया है।